नागपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की नई शाखा का उद्घाटन बुधवार को किया गया। ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों का एक अग्रणी वैश्विक नेटवर्क और ग्लोबल स्कूल फाउंडेशन का एक सदस्य ने नागपुर में अपना 17वां स्मार्ट कैंपस लॉन्च किया है। वर्तमान में सिंगापुर, मलेशिया, जापान, थाईलैंड, यूएई और भारत में इसके 16 परिसर हैं। फरवरी 2023 तक परिचालित होने वाला परिसर 6.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 500 सीटर ऑडिटोरियम, एक डिजाइन और इनोवेशन लैब के अलावा रेडियो, टीवी और विजुअल आर्ट स्टूडियो होंगे। GIIS का पुरस्कार विजेता 9 GMS फ्रेमवर्क खेल, प्रदर्शन कला, उद्यमिता और चरित्र विकास के साथ शिक्षा में उत्कृष्टता को संतुलित करता है। अनुभवी व साहसी शिक्षकों और अत्याधुनिक परिसरों की एक समर्पित टीम के साथ GIIS छात्रों को समग्र विकास का माहौल प्रदान करता है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देता है, जिससे जेंसर के एक बड़े प्रतिभाशाली पूल में योगदान होता है। 2002 में स्थापित सिंगापुर स्थित GIIS GSF के तहत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों का एक वैश्विक नेटवर्क पहले ग्रेड से 12वीं तक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय पाठ्यक्रम का संयोजन प्रदान करता है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिप्लोमा प्रोग्राम, कैम्ब्रिज IGCSE IB प्राथमिक वर्ष कार्यक्रम, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ग्लोबल मॉन्टेसरी प्लस प्रोग्राम शामिल है। GIIS का पुरस्कार विजेता 9 GEMS फ्रेमवर्क खेल, प्रदर्शन कला, उद्यमिता और चरित्र विकास के साथ शिक्षा में उत्कृष्टता को संतुलित करता है। यह सिंगापुर, मलेशिया, जापान, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और भारत में 16 परिसरों का संचालन करता है। जैसा हम कहते हैं, हमारी टैगलाइन भी है नर्चरिंग ग्लोबल सिटीजन। अब किसी को अगर हम ग्लोबल सिटीजन बनाना चाहते हैं तो वो किसी एक चीज़ में सक्षम नहीं हो सकता है कि वो एकेडमिकली बहुत अच्छा हो या स्पोर्ट्स में एक अच्छा हो। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जिसको हम 9 जेम्स एजुकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं, उसमें हमने 9 एट्रीब्यूट्स डेवलप किए हैं, जिसमें कि स्पोर्टिंग एक्सेलेंस आता है, एकेडमिक एक्सेलेंस आता है, उसका वैल्यू सिस्टम आता है कि उसको उसकी जो कोर वैल्यू सिस्टम्स हैं, एथिक्स हैं, उस पर भी हम फोकस करते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कोई बिजनेस चलाना चाहता है, लीडरशिप, तो उसके लिए भी हम उसको सिखाते हैं। अगर कोई आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड है तो हमारे विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, इस तरह के स्टूडियोज हमने बनाए हैं कि हम उसमें भी उसका टैलेंट को नर्चर कर सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग हमने आयाम जोड़े हैं अपनी 9 जेम्स फ्रेमवर्क में और उस तरह से हम उनको सक्षम बनाते हैं कि वो ग्लोबली कहीं पर भी जा करके कम्पीट कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 35 शाखाएं हैं, 10 कंट्रीज में हम प्रेजेंट हैं। और अगर आप ये कंट्रीज़ देखेंगे, ये सारी डेवलप्ड एडवांस कंट्रीज़ हैं जिसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत प्रोग्रेसिव है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाके स्कूल खोले हैं। हम सिंगापुर में प्रेजेंट हैं, साउथ कोरिया में हैं, जापान में हैं, मलेशिया में हैं, यूएई में हैं, कंबोडिया में हैं और अब हमने फिलीपींस में भी एंट्री करी है और थाईलैंड में। हमने आज वैसे फॉर्मल अनाउंसमेंट किया है, बट हमारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारा एक सिटी ऑफिस है यहाँ पे नागपुर में पेरेंट्स की कन्वीनियंस के लिए, वो वहाँ जा सकते हैं और कैंपस में भी जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। सेशन जो है हमारा अभी जो अप्रैल टू जून वाला सेशन है, अभी नेक्स्ट अकेडमिक सेशन 23-24 का हम तब से अपना स्टार्ट करेंगे अकेडमिक सेशन। अभी जो स्कूल है वो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन देगा, बिकॉज जो स्कूल है एफिलिएशन के लिए जब बोर्ड के लिए जाएगा 10th के लिए, उसमें अभी टाइम लगेगा। तो अभी हम नर्सरी से लेकर के ग्रेड 6 तक हमने एडमिशन्स ओपन किए हैं। तो आप जो बच्चा है वो नर्सरी में जा सकता है, लोअर केजी, अपर केजी एंड ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 6 तक और एडमिशन ले सकता है। तो हम वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं, लॉन टेनिस का कोर्ट दे रहे हैं, हम वहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट दे रहे हैं, वहाँ पे हम 200 मीटर का रनिंग ट्रैक दे रहे हैं, बहुत सारे इंडोर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए हम बहुत तरह के स्टूडियोज़ बना रहे हैं, जैसे मैंने बताया डिज़ाइन एंड इनोवेशन लैब, ये एक नया कॉन्सेप्ट है ताकि हम बच्चे की क्रिएटिविटी और इनोवेशन स्किल्स को फॉस्टर कर सकें। इसके अलावा हम वहाँ पे एक 500 सीट का ऑडिटोरियम बना रहे हैं, हम AV रूम बना रहे हैं, ऑडियोविजुअल रूम है, इसके अलावा एम्फी थिएटर बना रहे हैं, इसके अलावा मॉन्टेसरी लैब है जो छोटे बच्चों के लिए है। इसके अलावा आपने अगर फोटोज़ देखी होंगी, हमारी एक बहुत न्यू एज की लाइब्रेरी है। आजकल क्या है, बच्चे लाइब्रेरी में जाना नहीं चाहते, तो हमने बहुत एक यूनिक ढंग से लाइब्रेरी को डिज़ाइन किया है जिसमें अलग अलग तरह की किताबें होंगी। इसके अलावा साइंस के लैब्स होंगे। और इसके अलावा अगर मैं अकेडमिकली बात करूँ कि हमारे जो क्लासरूम है उसमें हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो हर क्लासरूम में आपको एक डिजिटल पैनल दिखाई देगा, हर टीचर के पास एक आईपैड दिखाई देगा, हर टीचर हर स्कूल में हमारा जो पूरा कैंपस है वो वाईफाई इनेबल्ड होगा, एक हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा। इसके अलावा हम अपने स्कूल में हर क्लासरूम में डिजिटल लॉकर्स लगाएंगे, जिसमें कि बच्चे को स्मार्ट कार्ड के थ्रू एक्सेस मिलेगा।
इसके अलावा हम फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी लगाएंगे ताकि उसको इनहान सिक्योरिटी मिले, ताकि कोई अनजान आदमी अंदर ना आ सके और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड लोग होंगे जिनके पास वो कार्ड होगा वो ही आ सकते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।